चतरा में छठ व्रती अस्ताचलगामी भगवान भास्कर का अर्घ अर्पित किया। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी चतरा में अर्घ अर्पित किया। चतरा में लोक आस्था का पर्व छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया। सबसे अधिक भीड़ छठ तालाब और कठौतिया तालाब में देखने को मिला। यहाँ शाम 3 बजे से ही छठ व्रती और श्रद्धालु छठ तालाब पहुँचने लगे थे। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता छठ तालाब पहुँचकर अर्घ अर्पित किया। छठ पर्व को लेकर सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किया गया था। SDPO अविनाश कुमार स्वयं विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। जगह जगह दंडाधिकारी और पुलिस बल लगाए गए थे। इस दौरान छठ व्रती डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित किया। सोमवार की अहले सुबह उदयमान स्वरूप भगवान भास्कर के अर्घ के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व सम्पन्न हो जाएगा। छठ पर्व को लेकर विभिन्न कमेटी की ओर से व्रतियों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से स्टॉल लगाकर दूध का वितरण किया गया। कई छठ व्रतियों ने अपने घर के छत पर अर्घ अर्पित किया। हर साल की तरह इस बार भी छठ करके बहुत अच्छा लगा। हिंदू का बड़ा पर्व है, बहुत अच्छा पर्व है, बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और आज पहला अर्घ है, हम लोग बहुत इंजॉय किए, बहुत आस्था से गात किए। सूर्यास्त का महत्व, सूर्योदय का महत्व भी है। कल इसी पर्व को कल सुबह शुभ मनाएंगे जो सूर्योदय होगा। की जय। हर साल की पत्नी हम लोग इस वर्ष भी छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। सारे सभी छत्रावासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना। जय जय छठी मैया की जय। महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग छठ मनाने छठ तालाब में आए हुए हैं। हर्षोल्लास के साथ हम लोग सभी लोग अर्घ दिए, अच्छा लगा। छठी मैया की जय। सूर्य भगवान की जय।